ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कैसे समझे कि हम कर्मातीत स्थिति तक आए हैं? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रिया निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। निशानी बाबा बता रहे हैं कि कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत हो जाएंगी और अंग अंग सुगंधित माना गुणी गुणवान या गुण की खुशबू आती जाएगी, उनसे विकारी वास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है किसके प्रति, किसके प्रति है शिव भगवान वाच तो बच्चों के प्रति होगा। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से ही बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परमधाम में रहते हैं। पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। कहाँ रहते बाबा? परमधाम में। अपने को आत्मा समझना है, ये भी पक्का निश्चय करना है। बाबा जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में ही आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आगे का कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ेगा। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर के दूसरे शरीर में बैठ गई, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देहाभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है और आत्मा ही धारण भी करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर भी नहीं हिलता। अब तुम बच्चों के पक्का निश्चय है, परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है तो परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। बुरे संस्कार कौन से हैं बाबा बता रहे हैं? शराब पीना, छीछी बातें करना, ये भी आत्मा ही करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाबा आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज भी साथ ले जाएगी। सब आत्मा का पाठ पक्का। क्या क्या करती है आत्मा? मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाऊंगा, ज्ञान सहित ले जाऊंगा। वैसे तुम आत्माएं भी, बाबा कहते हैं कि आत्माओं को पार्ट में आना होता है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। देखो हमारे पार्ट ही है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान खुल जाता है उस समय। ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। बहुत है जो भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत के बिगर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप तो होते ही रहते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी भी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए कोई भी पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती है देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाबा ही श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मुझने की बात नहीं है।
अनेक बार तुम पुराने से नए नए से पुराने बनते आए हो। हमारा ये रोल है, अच्छी रीति बाबा के पुरुषार्थ करना चाहिए। हम आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा यह काम करती है, आत्मा का पाठ पक्का। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो ये सारी बातें सिखलाने वाला बाप भी जरूर याद आएगा कि बाबा ने हमें बताया हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को कभी याद नहीं करते थे। देखो, बिंदु आत्मा समझकर बिंदु परमात्मा को हम भक्ति में याद नहीं करते थे, अपने को शरीरधारी समझ करके करते थे। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, विशेष हमारी माताएं बोलती है 24 घंटा में बाबा के याद में हूँ। सदैव बाबा के ऐसे थोड़ी होगा, परंतु सदैव कोई याद कर न सके। अगर याद करता है तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था भी हो जाती। कर्मातीत अवस्था तो बड़े जबरदस्त मेहनत से होती है, ऐसे वैसे नहीं होगी, जबरदस्त मेहनत, खाली मेहनत नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें सब विकारी कर्मेंद्रिया वश हो जाती है, निशानी है कर्मेंद्रिया वश हो जाती है। सत्युग में सब कर्मेंद्रिया निर्विकारी बन जाती है, अंग अंग सुगंधित हो जाता है, मन पवित्र बनते हैं। अभी बासी छी अंग है, इसलिए बास आती रहती है शरीर से भी। सत्युग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवी नई दुनिया वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना न सके। भल तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना न सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है, तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा लें तो सब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएंगे, अंग अंग बहुत ही सुगंधित हो जाएं, बदबू नहीं रहेंगे। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है विकारों की, ये शरीर कोई काम का नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके। वह तब बने जब तुमको नया मिले, कहाँ? सतयुग में। अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर है, बाबा ने कहा भी है मेरे जो भी भक्त है जो गीता पाठी होंगे वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं तो फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में, शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है, शिव बाबा भी आकर सीढ़ी बताते हैं। ऊंचा चढ़ाने वाला, ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका ठाव है, परमात्मा का नाम भी ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं कि कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ अमरनाथ वहाँ शिव के मंदिर है, बद्रीनाथ अमरनाथ शिव के मंदिर है, वहाँ पर ऊंच चढ़ाने वाला है ना, इसलिए उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है, सभी ने देखा है ना माउंट आबू में। ऊंच बाप है तुमको पढ़ाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानते, शिव बाबा आकर के पढ़ाते, वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुन रहे हो, वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएँ बताते हैं, क्या आगे क्या हुआ क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच थे ऊंच बाप बड़े थे बड़ी कहानी सुनाते हैं, सतयुग से लेकर अभी संगम युग तक की जो भी कहानियां हैं बाबा हमें बता रहे हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है,
यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी भी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाबर समझाते जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें ही पवित्रता मुख्य है। कौन सी बात है मुख्य? पवित्रता। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसलिए कहावत भी कौन सी है? शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही अच्छा रहता है। बर्तन चाहिए उसके लिए, तब ही धारणा हो सकती है। तो यह हमारे कान भी बर्तन जैसे हैं। सोने का दूध बर्तन, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध कहते हैं। सोने का दूध कहाँ से आया? शेरनी का दूध। हाँ, लेकिन हमारे कान भी कैसे होने चाहिए? सोने का बर्तन होना चाहिए, तभी बाबा जो भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, हाँ माना ये ज्ञान की बातें हैं, वो हजम हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। तो यह सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी कौन सा है हमारे कान? कौन सा बर्तन है? सोने का है। किसी ने कुछ अच्छा भी हमें कुछ गाइडलाइन दी तो भी आजकल के बच्चे देखो क्या बोलते हैं, हमें आप एडवाइस मत दो, हमें जो करना है हम करेंगे। बड़ों बड़ों को ये बातें सुनाते रहते छोटे बच्चे, माना अच्छा भी कुछ बातें बोलो तो भी उनको पसंद नहीं आती है। तो अभी बाबा कहते हैं कि सबके कान पत्थर के बन गए हैं, इसलिए अच्छी बातें सुनते नहीं हैं। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना भी है और धारण भी करना है। कहानी तो ईजी है जो गीता में लिखी हुई है। वह कहानियाँ सुना करके कमाई करते हैं महाराज, गुरु, जितने भी बहनें भी हैं आजकल कथा प्रवचक है, कथा की प्रवचन करती है, कमाई बहुत करते हैं। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी है, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कह सकते, न मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। मनुष्य तो सब कैसे हैं? पतित हैं। सन्यासी भी मनुष्य ही है, उन्हों का है निवृत्त मार्ग का धर्म। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनते जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी का राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को ही पवित्र बनना है। भले कहते हैं कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि महिलाएं भी पवित्र रहे, भाइयों के लिए तो छुटती है सन्यासी बने, महिलाओं के लिए नहीं। लेकिन बाबा कहते यहाँ घर गृहस्थी में रहते हमें पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा है सारा। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी भी नहीं सुना है। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि आबलाओं पर अत्याचार होंगे? वहाँ यहाँ बच्चियाँ बहुत पुकारती है, बाबा हमको आकर के बचाओ। बाबा भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम वेशालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो। शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारे यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। जो भी 92-93 ईयर्स ब्रह्मा बाबा की उम्र थी तो वो रथ की आयु थी। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हूँ, हमारा नाम ही है
अमरनाथ। परमात्मा का नाम क्या है? अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं। क्यों अमरनाथ कहते? आधा कल्प के लिए बाबा हमें अमर बनाते, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ और टांगे टांगे इस तरफ। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए कलयुग की तरफ? बाबा कहते क्यों फिराते हो? तो बच्चे जवाब देते हैं, कहते हैं बाबा भूल हो गई, आई एम सॉरी, भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया रावण राज्य की तरफ। तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाबा सब कुछ बतलाते हैं, बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो शक्ति दो, बाप तो रास्ता बतलाते हैं योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं रहती है। तुम बाप इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो, तुम मेरे बच्चे हो ना, जो भी मेरा है सो तुम्हारा है, मांगने की क्या जरूरत है। ये लक्ष्मी नारायण हाई ही हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो, पूरा पड़ेंगे नहीं तो फिर बाबा कहते हैं प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बननी है ना बच्चे। तुम्हारे विषम आरती आगे के आगे चल करके ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल भी मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे प्रदर्शनी के लिए या म्यूजियम के लिए, जिससे तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं यह भी तुमको जरूर मिलने हैं। तुम समझाएंगे शिव भगवान वाज मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान वाज का महाशत्रु है जिसे दुख पाया है, अब पावन वन पावन दुनिया में चलना है, तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े लूँगा जो भर करके मुझे फिर वापस देना पड़े, जिसको देना है उसका ही मैं लूँगा। बच्चों के पाई पाई से ही तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाबा सबसे बड़ा सर्राफ है, सोनार है, धोबी है, कारीगर भी है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज ही कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। आज का स्लोगन है अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, माइट माना शक्तिशाली बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं बाबा कहते हैं उनको आप चांस दो, माइक बनाओ। तो ऐसे एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भाई बहनों को ओम शांति।